वापस आकर अच्छा लगा, लगता है जैसे कुछ नहीं बदला। ये दोष लगाने वाला है, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होने आया है। तू कहां से आया है? मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा था, वहां सब कुछ देख रहा था। क्या चाहिए उसे? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, पर अय्यूब के पास परमेश्वर के भय का कारण है। क्योंकि आपने उसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर रखी है। जो कुछ वो करता है उस पर आपने आशीष दी है। देखो वो कितना अमीर है, पर अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छीन लें, फिर देखना वो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। ठीक है, तू उसकी परीक्षा ले सकता है। जो कुछ उसके पास है उसके साथ तू जो चाहे कर सकता है, पर शारीरिक रूप से उसे कोई हानि ना पहुंचाना। अय्यूब मेरा है। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होजाना गाओ होजाना, ये वचन है सुपर बुक। होजाना गाओ होजाना, ये वचन है सुपर बुक। हेलो, आइए अंदर आइए। मुझे बहुत खेद है फीबी। फीबी के पापा एक महान व्यक्ति थे, उनकी कमी महसूस होगी। प्लीज अंदर आइए। प्रोफेसर क्वांटम, क्रिस कैसा है? अपने नाना की मृत्यु से उसे काफी सदमा पहुंचा है। वो एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। क्रिस पीछे लॉन में है, जाओ उससे जाकर मिल लो जॉय। प्लीज सब लोग अंदर आइए। परिगी, तुम कहाँ हो? आ जाओ बच्चे, आओ भी। गिज़्मो, तुम क्या कर रहे हो? ओ, जॉय, खुदा का शुक्र है तुम छुट्टियों से वापस आ गई। यहाँ माहौल बहुत दुखद है। मैंने क्रिस के नाना जी के बारे में सुना। जॉय, ये क्रिस की जिंदगी का सबसे दुख भरा हफ्ता रहा है। इसकी शुरुआत हुई जब वो क्लास के पेट इगुआना को छुट्टियों में घर ले आया। नहीं, वो भाग गया। उसके बाद बुधवार रात को साल की सबसे खतरनाक आंधी आई और क्रिस के बेडरूम की छत को तोड़ता हुआ एक पेड़ गिरा, उसका हाथ टूट गया। और तुम्हें उन पैसों के बारे में पता है जिन्हें क्रिस न्यूज़पेपर देते हुए जमा कर रहा था? जब वो उन्हें बैंक में जमा करने जा रहा था तब किसी ने चोरी कर ली। हर कोई चीज जो गलत हो सकती थी सब गलत हो रही है। और सबसे बुरी बात ये हुई कि उसके नाना जी चल बसे। नाना जी के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरे साथ ही इतनी बुरी बातें क्यों हो रही है जब मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्रिस कभी कभी ऐसा, मैं कोशिश करना ही बंद कर देता हूँ। मेरे नाना जी चल बसे। क्रिस, मैंने हर जगह ईगी को ढूंढने की कोशिश की और ओ नहीं, सुपर बुक। मुझे यहाँ रहने दो ताकि मैं क्लास के इगुआना को ढूंढ सकूं। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया जब परमेश्वर पर उसके विश्वास की परीक्षा ली गई। ये मेरे मालिक के बैल
श्रीमान और आप नहीं चाहते कि मुझसे पंगा लें। अय्यूब की 500 बैलों की जोड़ियां चोरी हो गईं, बहुत बुरा हुआ। और अब तो वातावरण में संभावना लग रही है आग की। अरे बाप रे, मेरा हफ्ता इससे और बुरा हो ही नहीं सकता। क्रिस, परमेश्वर के साथ सौदा तो अय्यूब को हानि न पहुंचाने का था, पर उन्होंने उसके पुत्र और पुत्रियों के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल से अब हम काफी दूर आ चुके हैं। मालिक, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, गधियाँ उनके पास चल रही थी, तभी शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से आपके सेवक को मार डाला। बस मैं ही बचा हूँ आपको समाचार देने के लिए। मालिक, मेरे मालिक, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियाँ और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं अकेला बचकर आपको समाचार देने आया हूँ। कसदियों ने 3 दलों में हमला किया और आपके ऊँटों को चुरा कर ले गए और तलवार से आपके सेवकों को मार डाला और मैं अकेला बचकर आपको समाचार देने को आया। आपके बेटे बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे, अचानक जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर को ऐसा धोखा मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और मैं ही बचकर आपको समाचार देने आया हूँ। क्या हो गया? क्यों भाई सब? यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस सब के लिए उन्हें परमेश्वर के साथ गुस्सा होने चाहिए था, पर वो तो उसकी स्तुति कर रहे हैं। चोट खाया हुआ, माफी परमेश्वर, मैं ये लड़ाई जीतने वाला हूं। क्या इस घर के मालिक के पास इस थके हुए यात्री को देने के लिए कुछ है? दुख की बात है कि मेरे मालिक ने सब कुछ खो दिया है और वो शोक मना रहे हैं, और घर के लोगों के लिए भी मुश्किल से ही कुछ बचा है। क्या ये सच है? उन्होंने एक दिन में सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, सारी संपत्ति। मेरे साथ भी कुछ बुरी घटनाएं घटी, वाकई में बहुत बुरी घटनाएं। पर परमेश्वर ने ये होने दिया? ओह, परमेश्वर ये कैसे कर सकता है? अय्यूब अब परमेश्वर से घृणा करता होगा। पर दिलचस्प बात तो ये है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, क्या वो परमेश्वर को इसके लिए दोष नहीं देगा या पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर अय्यूब फिर भी आपको नकार देगा। तू कहां से आया है? पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमते फिरते उसका चक्कर लगाते हुए आया हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है?
क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। खाल के बदले खाल, हाँ, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। अपने दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता। जिंदा रहने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। अय्यूब के शरीर को दुख देकर देखो, आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा वो। ये कैसे निंदा को ये करने देंगे? सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अय्यूब को इतना दर्द होगा कि वो परमेश्वर को श्राप देगा कि उसने ये जीवन उसे दिया ही क्यों। बहुत भयानक दिख रहे हैं। तुम अब भी अपनी खराई पर बने हुए हो? परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ। तुम मूर्ख स्त्री की तरह बातें कर रही है। नहीं। क्या हम हमेशा परमेश्वर की ओर से केवल सुख ही लें और क्या कभी दुख ना लें? इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूं? बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या सर्वशक्तिमान जो सही है उसको उल्टा कर देता है? श्वास से नाश होते हैं क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती है और ना कष्ट भूमि से उगता है। धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर तारणा देता है। जब तू पाप करता है तब सर्वशक्तिमान की तारणा को तुच्छ मत जान। अय्यूब के मित्र उससे मिलने आए, ये अच्छी बात है। हाँ, पर जिसके मित्र ऐसे हो उसे शत्रुओं की क्या जरूरत? मुझे दोषी समझना बंद करो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या तुम सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही और गलत के बीच का फर्क मुझे मालूम नहीं है क्या? उन्होंने तुम्हारे बच्चों को अपने पापों की सजा दी है, तो क्यों ना तुम उनकी तरफ मुड़कर सही तरह से जीवन जीना शुरू करो। हमें पता है कि परमेश्वर निर्दोष को नहीं त्यागता और न ही पापी की मदद करता है। सच्चे दिल से परमेश्वर की शरण जाओ, अपने पापों को त्याग कर प्रार्थना में उनके पास जाओ। तुम्हें केवल पश्चाताप करने की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि इसी कारण मेरे साथ ये बुरी बातें हो रही हैं जॉय? क्योंकि मैंने कुछ गलत किया? मैं भी वो सब जानता हूँ जो तुम जानते हो। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। मैं तो सीधा सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर से बात करूँगा। मैं अपना पक्ष स्वयं परमेश्वर के सामने रखूँगा। तुम लोग मुझे पापों से मर रहे हो। ये विचित्र है, हम तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हकीम के नाते तुम नाकाम हो। तुम लोग केवल शांत बैठ जाते, यही एक समझदारी का काम तुम कर सकते हो। इस बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। परमेश्वर, मुझे ये दो वरदान दे दो और मैं आपके सामने खड़ा रह पाऊंगा। आप मुझसे इतनी भारी परीक्षा ना लें और आपकी भयानक उपस्थिति से मुझे भयभीत ना करें। अब मुझे बुलाओ और मैं जवाब दूंगा, या मुझे आपसे बात करने दो और जवाब दीजिए। बताइए मैंने क्या गलत किया है?
अय्यूब, इतने सारे हादसों के बावजूद भी क्या आपको विश्वास है कि कोई परमेश्वर है जो आपको ढूंढ रहा है? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती या सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय विश्वास है कि मुझे छुड़ाने वाले जीवित हैं और वो अंत में पृथ्वी पर खड़े होंगे। शायद मेरे शरीर का नाश हो, फिर भी मैं इसी देह से परमेश्वर को देखूंगा। हाँ, मैं अपनी आंखों से उन्हें देखूंगा। और इस विचार से मैं स्तंभित हो गया हूँ। आप मुझे मेरे नाना जी की याद दिलाते हैं, वो भी आप ही की तरह विश्वासी थे। हम तो केवल उसकी मदद करना चाहते थे, मगर वो है कि हमारी बात सुनना नहीं चाहता। पर ये तो स्पष्ट है कि उसने जरूर पाप किया होगा। क्या आप अय्यूब से विदा नहीं लेंगे? हमारे लिए तुम विदा ले रहे हो। मैं अय्यूब की जगह होता तो मैं तुरंत इनसे रिश्ता तोड़ देता। क्या हुआ? लगता है अय्यूब के दोस्त जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अय्यूब दोषी हैं और परमेश्वर उन्हें सजा दे रहे हैं, पर अय्यूब कहते हैं कि वो निर्दोष हैं। और अब हाँ, कम जानते हो तो इतनी बड़ी बातें क्यों करते हो? मेरा सामना करने को तैयार हो जाओ। क्या तुम मेरे पूछे हुए सवाल का जवाब दोगे? मैंने पृथ्वी की नींव कैसे डाली? क्या तुम वहां थे? बेशक इसकी लंबाई और चौड़ाई किसने तय की यह तुम जानते हो। इसकी नींव को कौन सहारा देता है? किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया जब तारे एक संग गाते थे और देवदूत आनंद मनाते थे? जब समुद्र को बनाया गया तब मैंने उसकी सीमाएं तय की और उसको गहरे कोहरे में लपेट दिया। तब मैंने उसके बाजू में दीवार बनाई और किवाड़ लगा दिए और कहा कि तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं, ये आगे नहीं बढ़ती। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, पर तुमने ये बात चलाई कि मैं गलत हूं। अब तुम मुझे जवाब दो। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने पूछा वो कौन है जो इतनी नासमझी से मेरे ज्ञान पर संदेह कर रहा है। वो मैं हूँ, और मैं ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, जो अद्भुत है। मैंने कानों से आपका समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने आपको देखा है। मेरी कही हुई हर बात को मैं वापस लेता हूँ और मैं धूल और आग में बैठकर पश्चाताप करना चाहता हूँ। अय्यूब ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सही है, परंतु सच ना कहने के लिए मैं तुझ पर और तेरे दो मित्रों पर बहुत क्रोधित हूँ। तो अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा। अय्यूब ने कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोया। अय्यूब, तुम्हारे साथ हमें आकर तुम्हारे साथ प्रार्थना करने दो। बलिदान करने
नहीं किया गया दी है। कृपया हमें क्षमा करो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। संसार में तुम्हें परीक्षा का सामना करना है और क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। क्रिस, ये तो ईगी है। पकड़ो गेज। ठीक है गिज़्मो, लगता है चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हाँ, शायद मुझे अय्यूब के विश्वास से कुछ सीख लेनी चाहिए जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है। और उतना ही नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। शायद मेरे शरीर का नाश हो, फिर भी इसी देह से मैं परमेश्वर को देखूंगा। हाँ, मैं अपनी आंखों से उन्हें देखूंगा और इस विचार से मैं स्तंभित हो चुका हूँ। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने उसके दुख दूर किए। जितना अय्यूब का पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया और उसके साथ बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुईं। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थीं जो अय्यूब की बेटियों जैसी सुंदर हो। और अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और वो 4 पीढ़ियों तक अपने वंश को देख पाया। बाद में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। जीवन और नया करो, आप मेरे जीव मेरी मदद करो, बदलो जीवन और नया करो, जीवन।